जावेद साहब कांग्रेस से हैं, उसका पॉपुलैरिटी घट गया है। अभी फिल वक्त मुजाहिद साहब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। खारी पुल का काम अधूरा लटक के रह गया है। कितने साल से बन रहा पुल? 13 साल से। उच्च स्तरीय जो राजनीतिक नेता हैं जी, वो तो बहुत वोट के वक्त बहुत सारे लॉलीपॉप देके लोगों से तो वोट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो आगे जब वो एमपी एमएलए बन जाता है उसके बाद काम जहाँ का तहाँ रह जाता है। एमपी आए कभी? आए थे 1 साल पहले। क्या क्या कह करके गए? बोले कि नहीं काम हो जाएगा। कब होगा? अब बता रहे जिस तरह काम हो रहा है लग रहा है कि हम लोग अपनी जिंदगी में देख पाएंगे कि नहीं हो पाए। कितने बार एमपी बदल दिया आप लोगों ने? करीब करीब 4 एमपी को तो बदले, तब भी पुल नहीं बन पाया। ना, ना। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का नेता है, मतलब एमएलए एमपी है। और जनता क्या है? जनता तो मूर्ख है। तो यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनवाते? यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनवाते हैं? ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? सरकार से सवाल पब्लिक पूछेगा, लेकिन पब्लिक को उतना मतलब फुर्सत कहाँ है कि वो मतलब है ना स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है? नहीं है। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। क्या? मोहम्मद कैसर आलम। कैसर आलम, आप ये बताएं, आप यही के रहने वाले लोग? जी जी जी। क्या परेशानियाँ बाढ़ आ चुकी है हमारे यहाँ? परेशानी सबसे ज्यादा परेशानी ये खारी पुल है। ये खारी पुल का काम अधूरा लटक के रह गया है। कितने साल से बन रहा पुल? 13 साल से। 13 साल से? जी 13 साल से। फिर आगे क्यों नहीं बना? ये हमारे उच्च स्तरीय जो राजनीतिक नेता हैं जी, वो तो बहुत वोट के वक्त बहुत सारे लॉलीपॉप देके लोगों से तो वोट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो आगे जब वो एमपी एमएलए बन जाता है उसके बाद काम जहाँ का तहाँ रह जाता है, कोई प्रोसेस नहीं। आप लोगों ने कोई विरोध किया? विरोध क्या है, लोगों को कह रहे हैं, लोग कह रहा है ना, लोग मतलब इस चीज पर ध्यान दिला रहा है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। एमपी आए कभी? आए थे 1 साल पहले। 1 साल पहले आए थे? क्या क्या कह करके गए? बोले कि नहीं काम हो जाएगा। कब होगा? अब बता रहे जिस तरह काम हो रहा है लग रहा है कि हम लोग अपनी जिंदगी में देख पाएंगे कि नहीं। नया पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया। कितने बार एमपी बदल दिया आप लोगों ने? करीब करीब 4 एमपी को तो बदले, तब भी पुल नहीं बन पाया। ना, ना। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का नेता है, मतलब एमएलए एमपी है। और जनता क्या है? जनता तो मूर्ख है। तो ये मूर्ख कह करके आप इसी तरह से रहेंगे? हाँ, तो क्योंकि इसमें लिटरेट पर्सन बहुत कम है, इलिटरेट ज्यादा है ना। अनपढ़ लोगों को तो भागा फुसला करके वोट ले लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कौन अच्छा है। रेशियो क्या है यहाँ पर? लिटरेसी रेशियो क्या है यहाँ पर? 30%। 30%। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एरिया का या फिर इस गांव का? इस गांव का। इस पंचायत का लगभग 12,000 है। 12,000 है। कितने बच्चे यहाँ पर होंगे वोट करने वाले अंदाजन? यहाँ 18 साल से 30 साल के बीच। जी जी। मोटा मोटी 5,000। 5,000। 5,000 बच्चे वोट करेंगे। शिक्षा किसको किसको दी जाती है? शिक्षा तो निचले स्तर से लेके उच्च शिक्षा तक दी जाती है, लेकिन शिक्षा लेने वाला प्राप्त करने वाला हो तब ना। कितने स्कूल है आपके पास यहाँ? एक स्कूल है सिर्फ। क्या है? मिडिल हाई? कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल है। हाँ। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बस वही प्राइमरी स्कूल। हाई स्कूल के बच्चे भी प्राइमरी स्कूल? नहीं, हाई स्कूल के बच्चे 22 या 23 जाते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर जाते हैं? जी। तो यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनवाते? यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनवाते हैं? ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? सरकार से सवाल पब्लिक पूछेगा, लेकिन पब्लिक को उतना मतलब फुर्सत कहाँ है कि वो मतलब है ना स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है? नहीं है। आप लोग सिर्फ वोट के लिए बने हुए हैं? वोट के लिए तो सारे मतलब राजनेता बने हुए हैं ना। नेता कहाँ बने? राजनेता और नेता के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। कुछ ही पर्सन है, 10% लोग जो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं रीजनेबल पर्सन है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये गांव के जो आम गरीब जनता है उसका बच्चा जहाँ का तहाँ रह जाता है। तो आम जनता के लिए भी तो सोचना होगा आप लोगों को।
कहेंगे कि पढ़ूंगा। अब यहाँ तो सोच पैदा करने वाला 10% लोग है, 90% तो वो मतलब मंद बुद्धि लोग हैं। पुल जो तो उसको लेकर एमपी से क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में जब वो आएंगे वोट मांगने के लिए, तो उसको कहेंगे कि भाई आपने तो वादा करके दिया था, लेकिन ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? 2024 में कौन होगा एमपी? 2024 में अभी तक यहाँ का समीकरण क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि जावेद साहब कांग्रेस से हैं, उसका पॉपुलैरिटी घट गया है। अभी फिल वक्त मुजाहिद साहब क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोग उसके बारे में चर्चा में ले रहे हैं कि मुजाहिद साहब है ना स्थानीय लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, वो मतलब दुख सुख में लोगों का मतलब पूछता है। क्या दिया मुजाहिद साहब ने? अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन लोगों का हाल पुरसान ले रहा है। तो हाल जानने से क्या फायदा? आपको राशन की जरूरत है, आपको पुल की जरूरत है, आपको रोड की जरूरत है, आपको खाने की जरूरत है। लोग है ना राशन पानी ठीक है ना, सब कोई मतलब भरण पोषण का मतलब ये है, लेकिन ये है कि यहाँ के लोगों का जो मूलभूत समस्या है, रोड है, बिजली है, पुल है, पुलिया है, शिक्षा है, इस पर ध्यान बहुत कम जा रहा है राजनेता का, है ना। और मुजाहिद साहब कम से कम अभी कुछ नहीं है, लेकिन एरिया का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपना मतलब क्या कहते हैं हाल पुरसान ले रहे हैं। करके नहीं, कुछ करके नहीं दिया एमपी, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। एमपी साहब का तो कोई काम नहीं है, है ना। क्या काम है? वही गिनती करवाओ। काम ये है कि वो काम अब तक एरिया में कुछ नहीं दिया है, ये काम ये लॉलीपॉप दे के खाड़ी पुल, एमपी हो या चाहे सिटिंग एमएलए हो, ये लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित किया कि इस पुल का काम हो जाएगा, लेकिन जब बन गया तो बनने के बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा। आज देखिए एक तरफ का अप्रोच बन गया है, दूसरी तरफ का अप्रोच अभी बाकी है।